Hey guys, welcome back to the another vlog video. Guys, आज मैं जा रही हूँ न्यू बोंगाईगांव। तो guys, आज मेरा DHS का एग्जाम है। तो guys, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही धमाका। guys, वीडियो को आप पूरा इन तक जरूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाका। गाइस, फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हमने आज का यात्रा आरंभ कर दिया। गाइस, मेरे साथ बहुत सारी फ्रेंड्स है और सभी के साथ हमने हंसते हंसते आज की यात्रा आरंभ कर दिया। तो गाइस, प्लीज़ देखते रहिए आज क्या क्या होता है ना। हाय गाइस, अब हम फाइनली खड़े हैं नारायण सेतु के पास में। गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा जाम हो चुका है गाड़ी का। गाइस, यहाँ पर हमें बहुत देर तक रुकना पड़ा क्योंकि बहुत जाम था रास्ते पर, इसलिए हम यहाँ थोड़ी देर वेट किया। गाइस, और आप मेरे चेहरे के तो नोटिस कीजिए, पता नहीं ट्रैवल करते ही क्यों मेरा चेहरा परेशान सा दिखने लगता है ना। गाइस, जैसे ही रास्ता खाली हुआ हमने हमारा जर्नी फिर से स्टार्ट किया और बहुत ही फास्ट, क्योंकि अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचा तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे है ना, तो इसलिए बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे हैं। घर से तो हमने 9 बजे में ही निकला था, लेकिन रास्ते पर आते आते जाम पर रुकते रुकते बहुत देर हो चुका है। गाइस, यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू है ना, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ और एक खूबसूरत सी रास्ता, यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से देखो कितना खूबसूरत है। और गाइस, फाइनली सामने देखो, हमारे सामने है नरनारायण सेतु है ना, इसको हम पंचरत्नों के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत ही लंबा ब्रिज है, देखो खूबसूरत कितना है और चारों तरफ ब्यूटीफुल व्यू है। गाइस, ये जो ब्रिज है ये ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के पंचरत्न टाउन से बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के जोगीखोपा टाउन तक कनेक्ट करता है। गाइस, इस ब्रिज का टोटल जो लेंथ है वो है 2.284 किलोमीटर्स। गाइस, मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, इस ब्रिज को इनॉग्रेशन किया था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अप्रैल 1998 को इस ब्रिज को इनॉग्रेशन किया था। गाइस, इस ब्रिज को बनाने में टोटल खर्च आया था 301 करोड़। और गाइस, ये जो ब्रिज है ये है नेशनल हाईवे 17 पर। गाइस, मैं यहाँ से वीडियो ही नहीं बना पाया क्योंकि टाइम अप हो चुका था। गाइस, आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा।